हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वक्त हम है उल्लास रिवर पे, जो आता है कल्याण मुरबाड़ रोड पे। ये जो शाहाड़ से जो टीटवाला मंदिर हम जाते हैं, इसके बीच में ही है ये उल्लास रिवर, जो आता है एग्जैक्टली कल्याण मुरबाड़ रोड पे। तो आज का जो जर्नी है हमारा यहाँ का है, आज का टूर हमारा यहाँ का है। ये पूरी तरह जो है टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, यहाँ पर जो है नदी हमने जो एक्सप्लोर किया है, यहाँ पे ज़्यादातर धार्मिक चीज़ें यहाँ पे लोग डालने आते हैं। तो जस्ट एक हम खाली एक टूर करने आए हैं, बाकी कुछ खास फेमस टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ऐसे ही जस्ट टूर करने आए हम। और यहाँ पे ही हमारी जर्नी ख़त्म नहीं हो रही है। यहाँ से जो हम अभी वापस जो रास्ता जाने वाले हैं, हम कल्याण मुरबाड़ रोड से डायरेक्ट अम्बरनाथ की तरफ जाने वाले हैं। बीच में हमें मिलने वाला है छोटा सा घाट, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वो घाट का वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आज का जो है हमारा जो है यहाँ का हो चुका है। गाइस, हम इस तरफ से आए हैं नदी के, और सामने से भी जा सकते हैं। हमें एक छोटा ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, जो ब्रिज हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। और वैसे जो है बारिशों में ये ब्रिज तक पानी पहुँच जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, काफ़ी पानी भरा रहता है। और अभी जो है पानी काफ़ी कम है, और कुछ लोग यहाँ पे नहाने के लिए भी आते हैं, आजू बाजू के लोग मैंने देखा है यहाँ से एक दो बार। और यहाँ पे देखिए कुछ बटरफ्लाई हमें दिख रही है, और तितलियाँ भी कुछ दिख रही है हमें। तो हमारा जो है यहाँ का पूरा मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ से फिर जो है हम ऊपर चढ़ेंगे वापस। थोड़ा सा ही रास्ता है बाहर निकलने के लिए, एक मिनट का ही रास्ता है। बाइक हमने जो है वायर लगाई है। तो ये जो है बाहर का व्यू है, राइट साइड वाला रास्ता अम्बरनाथ जाता है सीधा शाहाड़ उल्लासनगर, और यहाँ से जो ब्रिज क्रॉस करेंगे उस तरफ तो टीटवाला की तरफ रास्ता जाता है। टीटवाला और उसके भी आगे जाएंगे तो मुरबाड़ वगैरह, ऐसे सब रास्ते हैं। और फिलहाल हमें मिला है एक चाइनीज़ कॉर्नर। हम नदी घूम चुके हैं, उल्लासनगर घूम चुके हैं, और उसके बाद जो है हम जाते टाइम अम्बरनाथ घाट से जाने वाले। अभी नदी के जो कल्याण मुरबाड़ के जो नदी हम घूम चुके हैं, वहाँ पे ही एक चाइनीज़ कॉर्नर में हम बैठे हैं। और अभी विदेश से पूछते हैं कि ये नई प्लेस कैसी लगी एक्सप्लोर जो किया है हमने आज। नई प्लेस अच्छी है, नदी है यहाँ पे, छोटी सी नदी है, वहाँ पे जाके थोड़ा सा टाइम लगा, अच्छा लगा। फैमिली के लिए नहीं है, बट एक ओवरऑल आप थोड़ा बहुत यहाँ पे एक ऐसी धार्मिक मतलब लोग जो है पानी में जो रिसर्ट वो डालने आते हैं, कुछ भी डालने चीज़ें डालने के हिसाब से, और बस जस्ट एक हम लोग ने फन किया है। हाँ, व्यू जस्ट लेने के लिए आए थे, अच्छा छोटा छोटा टूर किया है। हाँ, और शाम के टाइम पे और वैसे बारिश के टाइम पे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्लाइमेट रहता है, क्योंकि पूरा ग्रीनरी ऑल ओवर ग्रीनरी से सराउंडेड है, तो क्लाइमेट अच्छा रहता है। बट अभी कैसे आज थोड़ा सा धूप है, उसके लिए थोड़ा सा आज हम लोग थोड़ा सा हीट हो गए थे। और यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा नहीं है, इंडिया के लोग ही हैं। और ठीक है, मतलब कभी हम लोग टूरिस्ट स्पॉट्स भी घूमते हैं, और कभी ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं जो खाली होती है। लेकिन काट साट के इन शॉर्ट विदेश को अच्छा लगा, मतलब सब अच्छा है, सब अच्छा है। और जब से वैसे मैं अकेला ही एक्सप्लोर करता था काफ़ी, और आगे भी अपने काम में अकेले ही एक्सप्लोर करते रहे, कभी विदेश अवेलेबल रहता है तो मेरा भी साथ एक कंपनी हो जाती है। तो जो अकेले काम करने से कंपनी जब दो जन रहते हैं तो वो एक एंजॉयमेंट हो जाता है। हाँ, मेरे काम का काम मुझे भी काम से थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है। हाँ, मैं भी इंग्लिश को मिस करता रहता हूँ, काम जब ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है, ज़्यादा दो चार दिन जब काम कर लेता हूँ तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तो इंग्लिश की याद आने लगती है कि चलो इंग्लिश के साथ कहीं जाएंगे घूमने के लिए। और हर साथ के अच्छा हो जाता है, घूमना भी हो जाता है, ब्लॉगिंग भी हो जाता है आप लोगों के लिए, कुछ ना कुछ नया जिसमें हम एक्सप्लोर भी कर लेते हैं आप लोगों के लिए। तो अभी कुछ चाइनीज वगैरह खा के हम लग रहे निकलने वाले हैं, फिलहाल थोड़ा स्टार्टअप आ चुका है। मैं इस नदी के बाजू में ही रेस्टोरेंट भी है छोटा, और सामने जो है एक छोटा स्टॉल था जहाँ पे वड़ा पाव चाय और ऐसी चीज़ें थी। तो मैं जो है निकलते टाइम, अभी हम यहाँ से जो है अम्बरनाथ की तरफ हम निकल चुके हैं, और यहाँ से भी छोटी सी ऐसे दीवार बनी हुई है, कुछ लोग यहाँ पे भी मैंने देखे हैं, एक आध लोग बैठे रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है ये दोपहर का टाइम है, 12:30-1 बजे है, तो कुछ पब्लिक वगैरह नहीं दिख रही है। तो यहाँ से जो है नदी भी दिख रही है हमें,
और यहाँ से जो है हम अम्बरनाथ, यहाँ से जो है हम अम्बरनाथ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे जो है काफ़ी हरी भरी एरिया है, काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग रास्ता है। यहाँ पे रास्ता छोटा है, खाली भी है, लेकिन मेन हरियाली काफ़ी है। और राइट साइड में ऐसे थोड़ा टकरी की तरह लग रहा है, और यहाँ पे छोटे मोटे खेत भी हमें दिख रहे हैं। और यहाँ से जो है अम्बरनाथ तक हमें पहुँचने में एक छोटा सा, एकदम छोटा सा घाट सरी का हमें लगेगा थोड़ी सी, क्योंकि हमने चढ़न भी चढ़ी है। और यहाँ से हमें जो है नीचे भी उतर रहे हैं, और यहाँ से नीचे की तरफ रास्ते जो है एक घाट की तरह लग रहा है छोटा सा, तो उसके लिए। और रास्ते भी गोल गोल सरीके है, जैसे हम लास्ट टाइम माथेरान गए थे, तो माथेरान का तो एक्चुअल में घाट है, ये एक्चुअल में घाट नहीं है लेकिन उसी तरह है कुछ। और जैसे लोनावाला में जैसे गोल गोल रास्ते रहते हैं लोनावाला चढ़ते टाइम या उतरते टाइम, उसी तरह यहाँ पे भी कुछ गोल गोल रास्ते हैं। मैं सभी तो आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन जितना जितना हो रहा है हम कवर कर रहे हैं। और बीच में छोटे एक छोटा सा विलेज भी आया था, छोटे मोटे एक दो एक थोड़े बहुत घर भी दिखे हमें। तो यहाँ से लगभग हमें अम्बरनाथ तक, जहाँ से हम अम्बरनाथ स्टेशन की तरफ निकलेंगे और हाईवे टच पे जो है रास्ता, लगभग हमें अब तक हमें 20 मिनट्स हो चुका है, लगभग हमें एक हाफ एन आवर लगेगा। तो आज हमने जो है रिवर भी घूमे हम, और उसके बाद जो है ये हरी भरी एरिया भी हमने देखी, और उसके अलावा जो है विलेज में से हम गुजर के, और एक जो है छोटा सा घाट भी हमने कवर कर लिया है। गाइस व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो लगभग जो है हमारा अम्बरनाथ का एरिया भी पूरा हम घूम चुके हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि एक ये घाट और एक रिवर रह गया था जो हम आने वाले व्लॉग में करने वाले हैं, और इसके बाद भी कुछ अच्छे व्लॉग में बनाने वाला हूँ। देखिए किस तरह से पूरा स्लोप स्लोप है रास्ते में, और जो है पूरा दिख रहा है हमें कितने अच्छे नज़ारे हैं यहाँ के, और छोटी मोटी टकरियाँ भी हमें दिख रही है। तो इसके बाद जो आने वाले व्लॉग में भी हमने सोच के रखा है कि काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। नासिक हो गया और लोनावाला हो गया, वहाँ पे भी जाके आना है कभी। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही है, बाकी हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
है।